हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11। इसमें जीपी का सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको मैं प्रूव करना है। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। पी ऑफ एन को हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ये आ जाएगा हमारा। अब एन इक्वल टू वन के लिए प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो ये पी ऑफ वन इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ए आर की पावर वन माइनस वन बाई आर माइनस वन। आर माइनस वन ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी ए के इक्वल होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं हेंस पी ऑफ वन इज ट्रू। नाउ कंसीडर पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आ जाएगा पी ऑफ के इधर ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट प्लस ए आर टू पावर के माइनस वन इक्वल टू ए आर पावर के माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। नाउ लेट अस प्रूव दैट P of k plus 1 is true। इसके लिए हम P of k plus 1 लिखेंगे। ये हमारा आ जाएगा P of k plus 1 a plus ar plus ar square plus dot dot plus kth term जो होगा हमारा वो आ जाएगा a r k power minus 1 plus k plus 1th term जो होगा a r के पावर के प्लस वन माइनस वन। तो यहाँ से प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें ऐसे मिलेगा। और स्टार्टिंग से लास्ट सेकेंड टर्म तक ये जो हमारा लिखा हुआ है सेकेंड स्टेप में हमने पी ऑफ के निकाला, तो पी ऑफ के की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ये आ जाएगा ए आर टू पावर के माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन एंड लास्ट टर्म ए आर के पावर के ओनली। एलसीएम लेंगे अगर यहाँ पर हम, तो देखो क्या आएगा। ये आ जाएगा हमारा ए आर के पावर के माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ए आर के पावर के प्लस वन माइनस ए आर के पावर के डिवाइड बाई आर माइनस वन। तो यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू ए आर के पावर के प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन। तो पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है क्योंकि k की जगह पी ऑफ के प्लस वन आ गया। तो यहाँ पर एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।